फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रताप। मु प्रताप कुमार विश्वाल आप समस्त स्वागत करुच्ची आम आउ एक नुआ दमदार भिडियो को। आज भिडियो में कौन आलोचना करवा द भौम करज। तो भौम कर डायनेस्टी संपर्क में आलोचना करवा। जो मैंने अलरेडी मो चैनल सहित जोड़े अच्छी तुमको कही वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज सरलापर आम ओडिशा हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करवा। तो बर्तमान चलती ओडिशा हिस्ट्री सीरीज्र पार्ट नंबर 3। यहाँ पूर्व मुझ कलिंग वार खावार आलोचना कर सारी जो तुमने देखी तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदेवि तुम जाइ देखीदे पार। आपको छाड़ी बदला मैंने देख भौमकर डायनेस्टी बहुत बड़ डायनेस्टी। जदि मुझ पर्टिकुला कंटिन्यू भिडियो भलसे बनैबी तो भौमकर डायनेस्टी पाखापाखि देढ़ घंटार भिड हो। ओके, कौन कर दुईट पार्ट करदे 30 मिनट आलोचना 30-40 मिनट आलोचना करवा। आम जिते भी शासन भौमकर डायनेस्टी समय होता जिते भी राजा थे। सेकेंड पार्ट आम आलोचना करवा एडमिनिस्ट्रेशन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी रिलीजियस पॉलिसी देन जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी सब जगह आम सेकेंड पार्ट आलोचना करवा। फर्स्ट पार्ट आम कौन आलोचना करवा राजा और कैरियर संपर्क आलोचना करवा। राजा तक अचीवमेंट आम आलोचना करवा। तो आशा करुँच आज भिडियो आप बहुत भल लगे। जब आप भिडियो बहुत भल लगुच्छे तो निश्चित चैनल सब्सक्राइब करते लाइक करते कमेंट करते पाखर जो बेल आइकन अच्छे बजाई दिंतु। या सहित जो तुम मन किसी डाउट रोच कमेंट बक्स में कमेंट कर कि छाड़ी जब तुम अलग किसी डाउट रोचे पाठपढ़ संबंधी नहीं कि कौन बुक संबंधी नहीं कि MCQ केमी कौन प्रिपेरेसन करापाई नहीं कि तुम मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन कर पार कि इंस्टाग्राम फॉलो कर मेसेज कर तो मुझे रिप्लाई पारि। सहित मोर फेसबुक लिंक अच्छी एबाउट सेक्शन को जाओ फेसबुक लिंक अच्छी इंस्टाग्राम लिंक अच्छी टेलीग्राम लिंक अच्छी व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक देदेवि तुम चाहिए मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर पार। तक आज वीडियो आज फर्स्ट पॉइंट कौन रोचे ना भौम करज रूल भल भाव शुण खाता पेन धरिकी भल भाव शुण बहुत गुड़ा पॉइंट को मुझे कह एक्सप्लेन करी जो भौम कर रूल इन ओडिशा बिगेन टुवार्ड्स द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 8th सेंचुरी। ताने कौन 8th सेंचुरी सेकेंड क्वार्टर ताने कौन 7+8 ताने 8th सेंचुरी 6+-7 ये कौन हो ना सेकेंड क्वार्टर ऑफ 8th सेंचुरी। तो आम कौन देखा जे जो भौमकर डायनेस्टी कौन हो 8th सेंचुरी सेकेंड क्वार्टर बेलू कौन होता ना स्टार्ट होता एंड लास्टेड टिल मिडिल ऑफ द 10th सेंचुरी। पखापाखि 10th सेंचुरी 10th शताब्दी मध्य भाग पर्यंत कौन होता ना तुम भौमकर राजवंश चली। बर्तमान देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन रोचे द ओरिजिन ऑफ भौमकर डायनेस्टी ऑफ सिक्योर तम मैंने कौन हो भौमकर डायनेस्टी संपर्क विभिन्न मत विभिन्न ऐतिहासिक मान दिखती आम वन बाय वन आलोचना करवा जे कौन हो अकॉर्डिंग टू पंडित विनायक मिश्र। पंडित विनायक मिश्र कौन कहते ना जे भौम किंग भौम जो किंग मैंने जे फास्ट दे वेंचर टू ब्रिंग द भौमकर डायनेस्टी इन टू लाइमलाइट तम मैंने कौन कर जे पंडित विनायक मिश्र इन इज मोनोग्राफ ओडिशा अंडर भौम किंग फास्ट वेंचर टू ब्रिंग कौन करते ना भौमकर डायनेस्टी को लाइमलाइट को आनी। ओके, जो मोनोग्राफ्टा अच्छी से मोनोग्राफ माध्यम तापर कौन बुझ ना अकॉर्डिंग टू हिम द मेल मेंबर मन रखी था बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने भौमकर डायनेस्टी मेल मेंबर थे अकॉर्डिंग टू हिम द मेल मेंबर ऑफ दिस डायनेस्टी बियर द नेम एंडिंग विथ कर ताने ये जो क्षेमंकर देव हूँ शिवंकर देव हूँ शुभंकर देव हूँ शांतिकर देव हूँ तो समस्त जो टाइटल था कहते ये कर पंडित विनायक कर मिश्र तो सी होती कर सो इट हाज बीन डेस्क्राइब एज कर डायनेस्टी। ओके, कौन मन रखिल यटा को आम कर डायनेस्टी कहते किंतु आउ के मानने लाइन लाइन को आसती हरेकृष्ण महताब ए पंडित विनायक मिश्र आउ गोटे कौन कहते पंडित विनायक मिश्र फास्ट कौन कहे जो डायनेस्टी थी कर डायनेस्टी बिकज यहाँ शेष कर किंतु आउ गोटे पंडित विनायक मिश्र आ डर हरेकृष्ण महताब कौन कहते ना पंडित विनायक मिश्र आ डर हरेकृष्ण महताब कौन कहते जे भौम प्रोबेबली गोटे नॉन आर्यन मन रखता से कौन कहले भौम डायनेस्टी थी से नॉन आर्यन किए कहते
डॉक्टर हरे कृष्ण महता एच के महता आ पंडित विनायक मिश्र से कौन कहते जे आर्यस सरी ए जो भौम आर नॉन आर्यन ट्राइब्स एंड दे बिलोंग्स टू भूया ट्राइब तांको मतरे जे एमाने होउछन्ति भौमकर माने होउछन्ति भूया ट्राइब रो काहेकि ना से एग्जांपल कोन दउछन्ति जे भूया ट्राइब रो जो महिला माने थांती तो भूया ट्राइब्स वुमेन एन्जॉयड मैक्सिमम फ्रीडम मने बुझ तो भूया ट्राइब रो जो माने महिला माने थांती तांको मतरे पंडित विनायक मिश्र डॉक्टर हरकृष्ण महता कोन कहउछन्ति जे गुटे गुटे डाउट आछ जे एक्चुअली इमाने कोटू बिलंगस करते भूमकर मैंने से पंडित विनायक मिश्र कहले ना यहाँ होती से कर राजोत्तर डायनेस्टी आम ना कह कर डॉक्टर हरेकृष्ण महताब कौन कहते ना से एक्चुअली मे भी भूया ट्राइब बिलंगस करते नॉन आर्यंस बिकज कहीं से कहते ये कथा बिकज से मतरे जे भूया ट्राइब जो महिला मैंने थांती से हिंदू वुमेन मान अपेक्षा मैक्सिमम फ्रीडम पाती तो से अनुसार आम एक्जाम्पल से कहते से अनुसार भौमग्र डायनेस्ट थे पाखापाखि छः जन वुमेन रूलर शासन करते तो से गोटे एक्जाम्पल दौरान तो ताक मत कौन ना ये जो भौमकर मैंने भूया ट्राइब्स रू बिलंगस करती से मतवाद देखते आउ गोटे जी देखा केसी पाणीग्राही कौन कहते मु फास्ट कौन कहली पंडित विनायक मिश्र और आउ गोटे तो मुझे कौन कहली डॉक्टर हरेकृष्ण महताब एवं आउ जन हो फेमस हिस्टोरियन केसी पाणीग्राही मत से कौन कहते जे ओडिशा एंड सॉरी भौम डायनेस्टी ऑफ ओडिशा एंड हर्षवर्मन द रूलर ऑफ आसाम बिलंग्स टू द कॉमन रॉयल फैमिली मत कौन कहते ना केसी पाणीग्राही मत जे हरेकृष्ण महताब अलग कहले पंडित विनायक मिश्र गोटे पॉइंट ऑफ व्यू देले कि केसी पाणीग्राही कहते ओडिशार भौमग्र डायनेस्टी एवं आसाम जी थी कौन हर्षवर्मन ये होती कौन रु आसाम थे बिलंग टू कॉमन रॉयल फैमिली से मैंने गोटे फैमिली रु बिलंगस करती सो दे कॉल्ड भागदत्त मतरे मे भी से मैंने सम स्कॉलर अब बिलीव दैट दे मे भी से दे जो भौमकर केम टू फ्रम आसाम रिजन तो जहाँ भी डिफरेन्ट हिस्टोरियंस हम डिफरेन्ट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द भौमकर ओरिजिन ऑफ भौमकर डायनेस्टी तो आम शेष बुझा जो एट सेंचुरी मध्य भाग बेलू आम देखी कौन ना भौमकर सेकेंड हाफ बेलू को भौमकर डायनेस्टी उत्पत्ति घटी तो ये थी गोटे सामान्य गोटे छोटियाटे गोटे उदाहरण केमी नाटा को लेकिन जो अच्छी ओरिजिन को लेकिन केमी कौन द्वंद उपजुच्ची से जहाँ भी हूँ तुमको सर्टे कहीदेली नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कैपिटल ऑफ भौमकर डायनेस्टी वाज कुहादेव पाटक और गुहेश्वर पाटक ओके गुहेश्वर पाटक वाज प्रोबेबली इन द मॉडर्न जाजपुर मतरे कौन हो जो भौमकर डायनेस्टी थी तो भौमकर डायनेस्टी जो राजधानी थी गुहादेव पाटक आम कहते गुहेश्वर पाटक बर्तमान सेटा कौटी अच्छी ना जो जाजपुर जो बिरजा अच्छा जाजपुर बिरजा तो सहीठे कौन होकर राजधानी थी गुहादेव पाटक भौमकर डायनेस्टी तो नेक्स्ट पॉइंट था कौन ना ये मुझे बुझे दिल तुमको ओरिजिनटा केमी कौन आसूर भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू केमी कौन आसूरी तो बर्तमान आम देखा कौन ना रूलर विषय प्रथम रूल होती क्षमंकर देव सो कौन हो यह ऐतिहासिक मैंने विश्वास करती जे क्षमंकर देव होती कौन ना फाउंडर ऑफ भौमकर डायनेस्टी कौन लगे इट इज बिलीव दैट क्षमंकर देव फाउंडर ऑफ भौमकर डायनेस्टी ओडिशा यह विश्वास करा जाए जे क्षमंकर देव द्वारा 736 AD बेलू के 736 AD बेलू कौन होता ना भौमकर डायनेस्टीटा कौन होता उत्पत्ति हेतिला तो यहाँ आम बुझा जो भौमकर डायनेस्टी उत्पत्तिर जनक उत्पत्ति होता क्या समय ओरिजिन होता क्या समय फाउंडर किए ना क्षमंकर देव तो आम कह पार 736 रु कौन स्टार्ट हुए ना 736 रु भौम एरा स्टार्ट हुए बोली कहा जाए ओके तो ये जो एसएन राजगुरु अच्छे मन रखता एसएन राजगुरु होला एसएन राजगुरु हु फिक्स 736 AD मन रखता किए फिक्स करते ना एसएन राजगुरु 736 AD होची कौन ना भौम डायनेस्टी ओरिजिन बा स्टार्टिंग पॉइंट ओके।
आम ये समय को मतलब कहींपर भौम एरा बोली ओके 736 कौन ना भौम एरा तो फास्ट पॉइंट कौन देला ना क्षम इट इज बिलीव दैट क्षम देव हुईज सेड टू बी परम परमाशोक अंगूत हुईज मीनस ए रियल डिवोटी ऑफ बुद्ध तमें बुद्ध स्टूडेंट टे भूल जाइए बी उठे डी एच ए यह विश्वास करा जाए बड़े क्वेश्चन पचारदेव जो क्षमकर देव जो कौ टाइटल कौन करते ग्रहण करते मन रखता क्षमकर जब देव थे से परमाशोक परमाशोक एवं अंगूत ये दुईटी उपाधि से ग्रहण करते किए ना क्षमकर देव तो कई भी कन्फ्यूज हम नहीं क्षमकर देव किए ना क्षमकर देव गोटे ट्राडिशनल होती फाउंडर तो कई भी आउ ए कन्फ्यूज हम ना कौन लिखाई ना क्षमकर देव एस्टाब्लीश फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी तमें कौन क्षमकर देवों द्वारा कौन होता जो वर्ण व्यवस्था फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम कौन होता ना स्टार्ट होता भौमकर राजवंश समय आउ गोटे भेरी इंपोर्टां पॉइंट होज ब्लड आंड आईरन पॉलिसी मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन द एम्पायर बेल क्वेश्चन पचारदेव भौमकर राजवंशर के राजा ब्लड आंड आईरन पॉलिसी को द्वारा शासन को मेन्टेन करुले शांति श्रृंखला रक्षा करुले किए थे ना सी होती भौम डायनेस्टी फाउंडर क्षमकर देव सो कई भी कन्फ्यूज हम नहीं क्षमकर देव को लेकिन तो तुमने कई भी कन्फ्यूज हम नहीं बिकज यहाँ बहुत इजी तुम आराम से मन रखिले कौन सी प्रकार तुमको असुविधा हो सो ना तो जहाँ भी होमें यही कहीपर यह समय जो दांती दुर्ग थे मन रखिता दांती दुर्ग द रूलर अफ राष्ट्रकूट ओन विक्ट्री ओवर कलिंग आंड कोशल बट डिड नॉट वेंचर टू अटैक ओड्र आंड उत्कल मन रखिता जो ओड्र पार्ट और उत्कल पार्ट उपर भौम राजवंश राजा क्षमकर देव शासन करुते कौन होता ना दांती दुर्ग थे राष्ट्रकूट राजा से कौन करते ना उत्कल सॉरी कलिंग कोशल आक्रमण करते कि ओड्र और उत्कल को आक्रमण कर तो एथु जमा पड़े जो क्षमकर देव केते पावरफुल थिले बोली जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जे कौन हो शिवंकर देव मन रखता क्षमकर देवंकर मृत्यु पर पुत्र थे किए ना शिवंकर देव क्षमकर देव वाज सक्सीडेड बाय हिज ओर्थली ओर्थी सन शिवंकर देव फास्ट तमें कौन शिवंकर देव फास्ट पिता मृत्यु पर पिता किए शिवंकर देव पिता किए क्षमकर देव क्षमकर देव मृत्यु पर शिवंकर देव प्रथम कौन करते सिंहासन आरोहण करते आउ गोटे ना अच्छी ना कौन होन्मत सिंहा मुनक्त क्षमकर देवंर आउ गोटे नाम होन्मत सिंहा क्या कहते इम्पेटुअस लायन ओके इम्पेटुअस लायन क्या कहा जाए ना शिवंकर देव को कहा जाए तो जहाँ भी हूँ कौन दिखाई हि व्वाज द रियल फर्च्यून मेकर अफ द भौमकर किंगडम यह विश्वास करा जाए जे शिवंकर देव होती जे भौमकर डायनेस्टी रियल फाउंडर जमी कुतुबुद्दीन अयबक होती फाउंडर कितु इल्तुतमिश होती दिल्ली सुल्तानेट रियल फाउंडर तो आम एपर जे शिवंकर देव होती कौन हो रियल फाउंडर तो जहाँ भी हूँ आम कन्फर्म हवा जो शिवंकर देवों समय शासन व्यवस्था में भी सार्वभौमत भौमक राजवंश गोटे सार्वभौमत राजवंश में परिणत होता सर्वस्वीकृति मिलता और अन्य देश कंट्रोल जो थी आसाम कंट्रोल जो रोला ताठू से सेपरेट होता बोले आम कहीदे पार से किसी असुविधा ना तो कौन हो शिवंकर देव गले तो शिवंकर देव लगे हि कंकुअर्ड कंकड कंगद आंड नर्दर्न पार्ट अफ कलिंग जो शिवंकर देव फास्ट थे उन्मत सीम थे केतक ऐतिहासिक मैंने कहते समय सीमा 756 786 आउ केतक जो ऐतिहासिक मान अच्छा से जो सिंहासन आरोहण समय सीमा को 736 783 तो यह कन्फ्यूज अच्छी तेणुक मुझे इराक लिखिनी तो जहाँ भी होमें कहींपर से जो शिवंकर देव प्रथम थे से कौन करते ना हि कंकड कंगद आंड नर्दर्न पार्ट अफ कलिंग कलिंगर नर्थ पार्ट एवं कंगद को से कौन करते कंकड़ करते कंगद बर्तमान कौ जगह अच्छी ना गंजाम और पुरी से गंजाम बर्तमान गंजाम और पुरी से कंगद कहला तो से कंगद एरिया को से कौन करते कंकड़ करते नर्थ पार्ट अफ कलिंग को कंकड़ करते कौन लिखाई देख मन रखता क्षमकर देव जो बुद्धिस्ट थे फास्ट आर्ली थ्री भौम मोनार्क
आर बुद्धिस्ट प्रथम तीन जन भौम रूलर होती बुद्ध धर्मर पृष्ठपोषकता करुते लाइक इज फादर हि व्वाज लयाल बुद्धिस्ट एंड व्वाज कल्ड परम तथागत मनोक्त कौ उपाधि किए पाँच परम तथागत उपाधि से ग्रहण करते हि डिफिटेड द किंग ऑफ राधा ये जो क्षेमंकर देव पुहले शिवंकर देव प्रथम से कौन करते ना जो राधा राधा मान कौन बेंगल बर्तमान बेंगल से कौन राधा से राधा देशर जी थे से परास्त करते परास्त पर विक्ट्रीर स्वरूप से कौन करते झील थे झील ना कौन ना हूँ जय भर्मा ओके लिखाई कौन लिखाई जय भल्ल जय भल्लई देवी ओके जया भाल्ली देवी तो से जया भाल्ली देवी मुझे कौन करते बहुत करते किए ना तुम शिवंकर देव प्रथम कहीं से गोटे विक्ट्री बेंगल गोटे विक्ट्री पाई तो आज आज ए टोकन पही विक्ट्री ओवर बेंगल से कौन करते मैरिड हिज डॉटर हिज नेम इज कौन हो जया भाल्ली देवी आपको मैरिड करते किए ना शिवंकर देव प्रथम आउ गोटे सूचना मिले जे हि व्वाज कंटेम्पोरी ऑफ चाइनीज एम्परर तेसंग यह विश्वास बेले क्वेश्चन पचार दब किए चाइनीज एम्परर कंटेम्पोरी बोले कौ भूम राजा ना सी होती किए ना शिवंकर देव प्रथम यह विश्वास कराए शिवंकर देव प्रथम होती कौन ना से होती तेसंग जी थे चाइनीज एम्परर 795 एडी बेलू जी चाइन शासन करते समसामयिक थे विश्वास कराए आउ गए कौन है ना आरसी मजुमदार पॉइंट आउट कर शिवंकर देव फास्ट सेंट ए बुद्धिस्ट मानुस्क्रिप्ट ओके वेट वन मिनिट जो शिवंकर देव फास्ट थे से कौन करते अकॉर्डिंग टू आरसी मजुमदार ओके आरसी मजुमदार कौन कहते जे शिवंकर देव फास्ट सेंट ए बुद्धिस्ट मानुस्क्रिप्ट कॉल्ड कौन ना गंडा बाहु बोली गोटे मानुस्क्रिप्ट बुद्धिस्ट मानुस्क्रिप्ट से पठाई थे ओके तो कौन है जे से कौन करते से मैंने किए ना शिवंकर देव प्रथम जे थे से कौन करते अकॉर्डिंग टू आरसी मजुमदार जे से गोटे बुद्धिस्ट मानुस्क्रिप्ट पठाई थे कौन कह जाए से बुद्धिस्ट मानक ना गंडा बाहु बोली कहा जाए आज ए प्रेजेंटेशन टू द चाइनीज एम्परर तेसंग से कौन करते तेसंग निकट को गोटे कौन बुद्धिस्ट मानुस्क्रिप्ट पठाई थे विश्वास कराए तो ये समय विराट बड़ आचिवमेंट एवं आउ कत कहते मैंने कौन कहते सी पठे न शिवंकर देव पठे ना पुओ शुभंकर देव पठाई थे तो जहाँ भी हूँ अधिकांश ऐतिहासिक मैंने यह बुझे शिवंकर देव गोटे बुद्धिस्ट मानुस्क्रिप्ट को पठाई थे कौटिकी ना चाइनीज एम्परर तेसंग कति की तेसंग समय सीमा के शासन करते 795 बेलू से शासन करते तो नेक्स्ट पॉइंट देख कौन हो शुभंकर देव प्रथम देख आफ्टर द डेथ ऑफ के आफ्टर द डेथ ऑफ शुभ शिवंकर देव फास्ट ओके शुभंकर देव फास्ट सक्सीडेड टू हिज फादर शिवंकर देव फास्ट शिवंकर देवंकर मृत्यु पर पुत्र शुभंकर देव प्रथम सिंहासन आरोहण करते केतक बहुत लिखाई समय सीमा 780 एवं आउ केतक बहुत कौन लिखाई समय सीमा को बढ़ई दि जाइए समय सीमा कहुई 790 रु नहीं कि 808 पर्यंत समय सीमा कल्पना करेंगे समय सीमा को जेहेतु टे तेणुक समय सीमा मुखि ना तो शुभंकर देव फास्ट जे थे सी किए ना आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर शुभंकर सॉरी शिवंकर देव फास्ट शुभंकर देव फास्ट सक्सीडेड टू हिज फादर तो ये आम यह बुझे जे शुभंकर देव जे थे बापा मृत्यु बापा किए शिवंकर देव प्रथम मृत्यु पर सिंहासन आरोहण करते हि मैरिड महादेवी महाबा देवी हु वाज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव मनोक्त मुझे कौन कही प्रथम तीन जन जो रूलर थे से प्योर बुद्धिस्ट थे किंतु से अन्य धर्म को अति सहनशील थे एग्जाम्पल हूँ बर्तमान देख शुभंकर देव फास्ट जो बुद्धिस्ट थे कि स्त्री थे गोटे शैव धर्मर उपासक स्त्री नाम कौन थी महाबा देवी एंड हि बिल्ड द महामाधवेश्वर शिव टेम्पुल आट बिरजा एंड अपॉइंटेड शिवाचार्य
फर द ओरशिप मन रखता स्त्री जी थी किए माधवा देवी से कौन करते माधवेश्वर शिव टेम्पल निर्माण करते कौटा निर्माण करते बर्तमान जाजपुर जो बीरजा अच्छी से कौन करते माधवेश्वर शिव टेम्पल निर्माण करते क्या से आपॉइंट करते शिवाचार्य को सी आपॉइंट करते पूजा अर्चना करने आउ कौन लिखाई देख शुभंकर देव फास्ट जे थे निजक विभिन्न भौमक राजवंश राजा मैंने विभिन्न उपाधि धारण करुले से भाया शुभंकर देव प्रथम जे थे विभिन्न उपाधि धारण करुले तथा महाराज से निजी कहते महाराज महाराजाधिराज एंड महाराजाधिराज परमेश्वर एवं परम सौगत तो यही सब उपाधि गुड़ा मन रखता पचार देव क्वेश्चन परम सौगत उपाधि क्यों भौम राजा ग्रहण करते किए ना शुभंकर देव प्रथम ये सब टाइटल गुड़ा मन रखता महाराजा महाराज महाराजाधिराज महाराजाधिराज परमेश्वर परम स्वगत और ये आहरी जनापड़ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट कौन होना राष्ट्रकूट जी थे किए गोविंद थार मन रखता द संजन प्लेट अफ अमोघ वर्ष स्टेट दैट गोविंद थार कोंकुएड उड्रक एलंग विथ कोशल कलिंग बंग आंड दहल तो एथर यह प्रमाण मिले शुभंकर देव प्रथम समय राष्ट्रकूट लड़ते गोविंद तृतीय से कौन करते ना ओड्र कोशल कलिंग बेंग भंग एवं दहल कोंकुएड करते जना जाए एवं आउ गोटे बड़े इंपोर्टाट पॉइंट कौन हो मादला पांजी कौन लिखा अच्छी ना अकॉर्डिंग टू द रेकॉर्ड ऑफ मादला पांजी को पांजी मादला पांजी अनुसार शुभंकर देव प्रथम समय कौन होता ना रक्त बाहु मन रखता किए ना रक्त बाहु कौन करते इनभाजन टू कलिंग सॉरी इनभाजन टू ओड्र देश एंड कलिंग एंड कौन हो द मादला पांजी रेकर्ड दैट आज ए रेजल्ट अफ दिस् इनभाजन द इमेज अफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड अदर डेटीज वेर क्यारेड अवे एंड बुरीड इन ए प्लेस कॉल्ड गोपाली इन सोनपुर पोस्ट इन ओडिशा ओके मन रख जो रक्त आटाक लेखा समय शुभंकर देव प्रथम समय अकॉर्डिंग टू मादला पांजी कौन कह जो भगवान मूर्ति को नि जाइए कौट को कौट की ना गोपाली गोपाड़ी बर्तन कौटी अच्छी ना सोनपुर जोटा कि बर्तन वेस्ट ओडिशा जाऊँगी एवं द इमेज वेर डग आउट फ्रम 146 ईयर ओके लेटर बाय द सोमवंशी किंग जजाति फास्ट इनस्टॉल द टेम्पल बिल्ड बाय हिम से यह विश्वास कराए मादला पांजी अनुसार से जो समय शुभंकर देव प्रथम समय तो रक्त अटाक करते जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति को पलैता कौट की तुम सोनपुर पलैता कौ जगह ना गोपाड़ी को एवं पाखापाखि जजाति फास्ट जो सिंहासन आरोहण कले से पुनर्बार मंत्री 146 वर्ष पर भगवान प्रतिमा को आणिकी पुनर्स्थापन करते विश्वास करा जाए लाइक हिज फादर हि अल्सो ए स्टन्स बुद्धिस्ट एंड हि जेहतु बुद्धिस्ट थे से कौन कर बुद्धिस्ट टाइटल गोटे कौन परम स्वगत गोटे की टाइटल बुद्धिस्ट टाइटल से ग्रहण करते पढ़ा शिवंकर देव सेकेंड शिवंकर देव सेकेंड विषय में इंपोर्टाट पॉइंट गुड़क आम देखा शिवंकर देव सेकेंड व्वाज ए बुद्धिस्ट किंग एंड व्वाज नोन आज कौन सगुत सराय सगुत राय उन्नत सगुत राय उपाधि किए ग्रहण करते किए तुम शिवंकर देव सेकेंड एंड हिज वाइफ मोहिनी देवी व्वाज ए शैव एंड बिल्ड द मोहिनी टेम्पल भुवनेश्वर भुवनेश्वर मोहिनी टेम्पल के समय भौमकड़ादेवश समय किए तैयारी करते शिवंकर देव सेकेंड पत्नी मोहिनी देवी यह तैयारी करते तेनाली मंदिर ना कौन हो मोहिनी मंदिर एवं देवपाल ऑफ बेंगल इनवाडेड ओडिशा एंड लिबरेटेड ओडिशा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ राष्ट्रकूट मुठी कौन कहली शुभंकर देव जे थे शुभंकर देवंकर प्रथम समय रक्त बाहु केतक जगह लिखाई तुम रक्त बाहु जगह ना लिखाई राष्ट्र गोविंद तृतीय मादला पांजी लिखाई रक्त बाहु से अटाक करते ओडिशा को विभिन्न जगह अधिकार कर नहीं तो शिवंकर देव कौन करते शिवंकर देव सेकेंड कहीपर जे देवपाल सहायतार हो देवपाल ओडिशा को कौन करते राष्ट्रकूट एम्पायर कबल कौन करते मुक्त करते विश्वास करा जाए एवं शिवंकर देव कौन टाइटल कौ टाइटल सब ग्रहण करते परम
ଭଟ୍ଟାଧକ, ମହା ରାଜାଧିରାଜ, ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଧି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ କେମିତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦ ମ୍ୟାନର୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଫାଷ୍ଟ ସକ୍ସିଡେଡ୍ ହିଜ୍ ଏଲ୍ଡର୍ ବ୍ରଦର୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଟୁ ବି ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଭୌମ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଡର୍ ବ୍ରଦର୍ ଥିଲେ, ସେ ଏଲ୍ଡର୍ ବ୍ରଦର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଲ୍ଡର୍ ବ୍ରଦର୍ କିଏ, ଶିବଙ୍କର ଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୋଳ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଥାର୍ଡ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ୱାଜ୍ ଏ ହିରୋଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍ କିଙ୍ଗ। ମନେ ତା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୋଳ କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ହିରୋ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ସହିତ। ମନ୍ୟକ୍ତା କୌ ଭୌମ ରାଜା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ସହିତ ବୈବାହିକ ବା ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଗଠନ ରଖିଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ନା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ, କେହି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ହି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ନେମ୍ଡ ଗୋସ୍ୱାମିନୀ ଦେବୀ। ଓକେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସେ ଗୋସ୍ୱାମିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଗ ଫ୍ୟାମିଲିର। ହି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଗୋସ୍ୱାମିନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଗୋସ୍ୱାମିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମକୁ ଗୋସ୍ୱାମିନୀ ଦେବୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ ବଦଳିଗଲା, ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ। ସେ ନାଗ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯାହା ହେଉ, ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା, ଯେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯିଏକି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଏମ୍ପାୟରକୁ ସୁଦୃଢ଼କରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଏବଂ ହି ଇଜ୍ ୱାଇଡ଼ଲି ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଚାରିଟିଜ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାତାଶ୍ରୟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଥିଲେ। ହି ଇଜ୍ ୱାଇଡ଼ଲି ରିନାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ହିଜ୍ ଚାରିଟି ୱାର୍କ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଚାରିଟି ୱାର୍କ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲେ କିଏ, ନା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ। ଏବଂ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ନା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଇଠି ଟିକିଏ କାହା ପରେ କିଏ ଆସିଲେ ମନେ ରଖିବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ। ତ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ନା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ, ନା ହି ୱାଜ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଶିବଙ୍କର ଦେବ ସେକେଣ୍ଡ। ଶିବଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଥାର୍ଡ଼ଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହାକେତୁ। ମନ୍ୟକ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଥିଲେ, ସରି, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହାକେତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟକୁ। ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଲେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର, ଶିବଙ୍କର ଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର ପୁଅ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଥାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ଥାର୍ଡ଼ଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସିଂହାକେତୁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖ, ବାଇ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପୁଳିନ୍ଦ ରାଜ ଆଜ୍ ଅ ହିନ୍ଦୁଳ ଚାର୍ଟର ରିଭେଲ୍ସ ହି ବିଲ୍ଡ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ୍ ପୁଳିନ୍ଦେଶ୍ୱର ଆଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଜୁବନ ଗୁଳ ପଟିକା ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ଦେୟାର ଏ ଡେଇଟି ନେମ୍ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଟ୍ଟାରକ। କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଳିନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନା ପୁଳିନ୍ଦେଶ୍ୱର ଠାରେ ପୁଳିନ୍ଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଟ୍ଟାରକଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହି ଇସୁଡ୍ ହିଜ୍ ହିନ୍ଦୁଳ ଚାର୍ଟର ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ 1839 AD। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ନା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ। ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ। ଏବଂ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁ, ତ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ନା ବୈଷ୍ଣବ ଜିମି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଇଥିଲା ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ।
एवं तांको द्वारा समय से वैष्णव धर्म भगवान विष्णु जन परम भक्त थिले एवं तांकर त्रिभुवन महादेव अर्थ होची कौन ना द गॉडेसेस ऑफ थ्री वर्ल्ड। तो ये थिला इंपोर्टेंट रीजन। तो जहाँ भी तांको परे शांतिकर देव द्वितीय सिंहासन आरोहण करते। ही वाज अल्सो नोन आज लुणा भर और लवण भार आंड गायद उन्नत क्यों राजा को गायद उपाधि दिया गायद हिसाब से जानते शांतिकर देव प्रथम अन्य नाम था लुण भार और लवण भार। हिज क्वीन वाज हीरा महादेवी शांतिकर देवी जी वाइफ ना कौन धर्मपत्नी ना कौन थी हीरा महादेवी। तो समय सेमती किसी इंपोर्टाट कथा घटीला बोली आम तो पारानी खाली एति की बुझा जो कौन हो द सोमवंशी रूलर जी थे डिफिटेड द भौम रूलर्स ओके समय भी आम कहीपर कौन होते आसे तुम किए तुम जो आसे शुभंकर देव फोर्थ आसवे समय कौन हो डिक्लाइन स्टार्ट हो। तो ये आम पढ़ा समय विशेष किसी कौन हो इम्पोर्टाट इवेंट किसी होनी तेनाली समय आम कि जापरती ना क्या समय ना शांति करदेव द्वितीय समय। तो जहाँ भी हो समय एडमिनिस्ट्रेशन बहुत भल था एवं बहुत कम दिन से पखापाखि 15 वर्ष पाखापाखि से शासन करने को लगे 850 रु 865 समय किसी विशेष किसी इनफर्मेसन मिले ना। तो जहाँ भी हो किए आसते शुभंकर देव फोर्थ और शुभंकर देव फोर्थ अन्य नाम हो कौन ना कुसुमहार सेकेंड ताकि कह जाए कुसुमहार सेकेंड उपाधि से ग्रहण करते। ड्यूरींग हिज रिजिम द भौमकर किंगडम हार्ड टू बियर द ब्रंट अफ द सोमवंशी आग्रेसन मनक्त शुभंकर देव फोर्थ समय सोमवंशी राजा जन्मजय सेकेंड कौन करते भौम राजवंश को करायत्त करने आक्रमण करते। बाय दैट टाइम जन्मजय फास्ट द सोमवंशी रूलर आटाक भौम किंगडम आंड रणभंज देव द फ्यूडाटोरी अफ भौम खिंजिड़ी मंडल हार्ड टू क्रॉस स्वॉर्ड्स विथ द माइटी रूलर ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी तम कौन बुझ जो खिंजिड़ी मंडल ठारे भौमक राजवंश राजा मैंने कौन करते राजा अवस्था करते नाम था रणभंज देव जन्मजय फास्ट कौन करते रणभंज देव को परास्त करते खिंजिड़ी मंडल को निज अख्तियार को नहीं जन्मजय फास्ट जन चतुर राजा थे जन डिप्लोमेटिक पर्सन थे से कौन करते जन्मजय फास्ट सीमेंटेड मैट्रिमोनियल आलायंस विथ द भौम बाय गिविंग हिज डॉटर पृथ्वी महादेवी टू शुभंकर देव फोर्थ ता मैंने कौन जन्मदेव फास्ट बहुत चालाक थे से झीव को शुभंकर देव चतुर्थ सहित बहुत कराई जोटा कि परवर्ती अवस्था कौन होता ना भौम राजवंश पतन रोटे कारण बनी। तो बर्तमान देखा शिवंकर देव थार्ड जे जितेबाला शुभंकर देव फोर्थ मृत्यु घटला किए आसे शिवंकर देव थार्ड आसते अन्य नाम हूँ ललित हार। शिवंकर देव थार्ड वाज डिवोटी ऑफ शैव शिवंकर देव थार्ड जो सी शैव उपासक थे एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ परम महेश्वर एंड परम भटारक मनक्त क्यों राजा निजक परम महेश्वर भौम राजा से होती किए ना शिवंकर देव थार्ड निजक परम महेश्वर उपाधि धारण करते निजक परम भटारक कहते ठीक से ही अन्य राजा भरी आंक समय आम से विशेष किसी सूचना पाती ना आम विशेष किसी सूचना मिले ना खाली आम एत जाना चाहती जे जापारती जे शैव भक्त थे समय बौद्ध धर्म विभिन्न प्रकार पृष्ठपोषकता कराइला विभिन्न प्रकार अन्य किसी चैरिटेबल वर्क होता या छड़ा किसी इनफर्मेसन मिले ना। तापर पढ़ा पृथ्वी महादेवी पृथ्वी महादेवी के अन्य नाम हूँ त्रिभुवन महादेवी सेकेंड मनक्त त्रिभुवन महादेवी फास्ट थी एवं आसा त्रिभुवन महादेवी सेकेंड जे पृथ्वी महादेवी नाम था ओरिजिनल नाम कौन पृथ्वी महादेवी कितना परवर्त अवस्था से कौन करते त्रिभुवन महादेवी टाइटल को ग्रहण करते। तो शंकरगण द कालाचुरी किंग इनवाइटेड कोशल एंड जन्मजय रिमेन्ड बिजी इन फाइटिंग विथ आग्रेसर मनक्त जन्मजय फास्ट थे पृथ्वी महादेवी बापा। तो पृथ्वी महादेवी सहायत सिंहासन आरोहण करते जितेबाला शंकरगण कौन करते ना आटाक कले जन्मजय फास्ट जो जन्मजय फास्ट विजी युद्ध से ही समय कौन करागला ना अन्य सब जो लोक मैंने थे टेकिंग आडभांटेज अफ दिस सिचुएसन द रॉयल ऑफिस ऑफ द भौमकर
डायनेस्टी अप्रोच द क्वीन ऑफ शिवंकर देव थार्ड टू अज्यूम द भौम थ्रोन सब्सिडिंग द क्लेम ऑफ पृथ्वी महादेवी मन रखता त्रिभुवन महादेवी सेकेंड बापा सहित सिंहासन ग्रहण करते कि लोक मैंने कौन कले मना कले जी शिवंकर देव तृतीय थे वाइफ को सिंहासन ग्रहण करने अनुरोध करते परवर्त अवस्था कौन होता पृथ्वी महादेवी समय सेमती किसी बड़ घटना होना सेमती किसी भल कहानी भल कारुकार्य होना कि भल मंदिर तोला जाएँ कि इनफर्मेसन मिले ना ये जना पड़े जे रेस्ट ऑफ हिज लाइफ पृथ्वी महादेवी परवर्त जीवन बापा रेसीडेन्स फादर्स रेसीडेन्स कौशल से बीताई स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ तार पढ़ा त्रिभुवन महादेवी तृतीय कौन हो त्रिभुवन महादेवी तृतीय जे थे सी आजीवन इंपेरियल टाइटल लाइक परम भट्टारक महाराजाधिराज एंड परमेश्वरी मन रखता त्रिभुवन महादेवी जे थे से परम राजाधिराज सॉरी महाराजाधिराज परम भट्टारक एवं परमेश्वर उपाधि परमेश्वरी उपाधि धारण करते सी वाज अल्सो ए वैष्णव बाय फेथ से निजक वैष्णव धर्म जड़े उपासक कहते तो पृथ्वी त्रिभुवन महादेवी समय एति के होची इंपोर्टेंट इवेंट तुम खाली मन रखे कौटे कौन होता समय किसी इंपोर्टेंट इवेंट हो कि तो युवा हूँ इंपोर्टेंट आपको छाड़ी आज किसी न था जहाँ भी इम्पोर्टाट पॉइंट हो आलोचना करदे छाड़ी तुम भाव मुझे छाड़ जाऊँ तुम चाहिए मतलब पढ़ी पार मुझे सेमती रोक पारि ना ये विषय तुमने भल भाव में चाहू आज किसी पढ़ापी तो पढ़ी पार बाकी जैसे इम्पोर्टाट मुझे पढ़े दूसरी नेक्स्ट पॉइंट देख कौन हो शांतिकर देव जो पृथ्वी कौन हो त्रिभुवन महादेवी थार्ड पर शांतिकर देव थार्ड सिंहासन ग्रहण करते शांतिकर देव थार्ड वाज थार्ड एंड शुभंकर देव फोर्थ शांतिकर देव थार्ड समय विशेष किसी सूचना मिले ना मन ये जाना त्रिभुवन महादेवी थार्ड पर शांतिकर देव थार्ड आसते शांतिकर देव थार्ड पर शुभंकर देव फिफ्थ जी आसते द सन ऑफ शिवंकर देव थार्ड ये शिवंकर देव थार्ड पुओ थे किए शुभंकर देव फिफ्थ एंड सक्सीडेड त्रिभुवन महादेवी थार्ड वन आफ्टर अनादर मन रखता है शिवंकर देव थार्ड गोटे दुटा पुओ थे गोटे शांतिकर देव थार्ड आउ गए शुभंकर देव फिफ्थ तो जो शिवंकर देव थार्ड त्रिभुवन महादेवी मृत्यु पर दुज सिंहासन आरण करते फास्ट किए आरण करते शांतिकर देव थार्ड और शांतिकर देव थार्ड मृत्यु पर शुभंकर देव फिफ्थ सिंहासन आरण करते मन रखता तो सक्सेस शुभंकर देव फिफ्थ जिते भी सक्सेस सब शुभंकर देव आसते ऑल आर वुमेन मन रखता शुभंकर देव फास्ट हो लास्ट मेल रूलर ऑफ भौमकर डायनेस्टी एवं फास्ट मेल रूलर किए थे क्षमंकर देव फास्ट वुमेन रूलर किए थे त्रिभुवन महादेवी प्रथम तो शुभंकर देव प्रथम ऑल आर वुमेन दे वेर फोर इन नंबर शुभंकर देव प्रथम चार जन महिला सिंहासन आरोप करते नौ गौरी महादेवी दांडी महादेवी भाकुला महादेवी एवं धर्म महादेवी ए चार जन सिंहासन आरोप करते प्रोबेबली धर्म महादेवी होती लास्ट नॉन भौम रूलर ऑफ ओडिशा आम टे जाने विषय जे गौरी महादेवी द क्वीन ऑफ शुभंकर देव फिफ्थ ऑफकोर्स नो रेकर्ड ऑफ हर टाइम इज अवेलेबल सी वाज हाउएवर एबल टू प्रिजर्व द लॉ एंड ऑर्डर इनसाइड द किंगडम मन रखता शुभंकर देव पंचम मृत्यु पर जे राणी थे किए थे गौरी महादेवी सिंहासन आरोप करते जो एम्पायर शांति श्रृंखला रक्षा करते नेक्स्ट पॉइंट गौरी महादेवी पर झील थे किए दांडी महादेवी से सिंहासन ग्रहण करते यह जना पड़े जे इन हर रेकर्ड सी अचीव्ड इंपेरियल टाइटल परम महेश्वरी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर यह उपाधि किए ग्रहण करते गौरी महादेवी झील दांडी महादेवी सी एम्पायर शांति श्रृंखला रक्षा करते विषय आमको किसी विशेष इनफर्मेसन मिले ना तो जितेबाद दांडी महादेवी पर भौम किंगडम वाज प्रस्परियस बाय हर टाइम तक समय किसी उन्नतिकर कार्य होता एम्पायर टी स्ट्रंग बट दांडी महादेवी डायड ए प्री मैच्योर डेथ बहुत कम बयस दांडी महादेवी मरीगले और बायर स्टेप मदर तर स्टेप मदर जी थे भाकुला महादेवी से कौन कर सिंहासन ग्रहण करते भाकुला महादेवी होती भंज राजवंशर ओके तो भाकुला महादेवी एवं धर्म महादेवी जे कि लास्ट होम रूलर होम वुमेन रूलर से सबूक होती भंज फैमिली सो द वाइफ भंज धर्म महादेवी किए द वाइफ ऑफ शांतिकर देव थार्ड
सक्सीडेड दांडी महादेवी ओके सी वाज द लास्ट सॉरी दांडी महादेवी कहली धर्म महादेवी धर्म हम धर्म महादेवी एंड सी वाज द लास्ट नोन रूलर ऑफ द भौमकल डायनेस्टी मन की था भौमकल डायनेस्टी धर्म महादेवी होती कौन शेष राजा राणी आम कहीपर धर्म महादेवी होती कौन द वाइफ अफ शांति देव थार्ड सक्सीडेड दांडी महादेवी को किए दांडी महादेवी किए आसे सिंहासन भाकुला महादेवी एवं भाकुला महादेवी किसी दिन पर किए सिंहासन कले तुम धर्म महादेवी तो धर्म महादेवी किए थे वाई शुभ शांति देव तृतीय पत्नी थे और लास्ट नोन रूलर होती भौमकर डायनेस्टी तो ये हूँ तुम भौमकर डायनेस्टी इंपोर्टेंट रूलर विषय में शॉर्ट हिस्ट्री किए के समय कौन करा कार कौन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अचीवमेंट अच्छी ताको मुझ आलोचना कली तो भौमकर डायनेस्टी टिके डिफिकल्ट लगे बिकज ना उनको सिमिलैरिटी अच्छी शिवं करदेव फास्ट शांति करदेव फास्ट क्षमं करदेव शुभं करदेव द्वितीय शांति करदेव प्रथम ना टे मिसमासिक अच्छी तब तुम आराम से नोट कर दि स्टेप बाय स्टेप इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिद क्या समय कौन कौन इंपोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी असुविधा हेब नहीं परवर्त क्लास जो मेन पॉइंट अच्छे सोशियो इकोनोमिक रिलीजियस सिस्टम कौन थी तापर एडमिनिस्ट्रेशन केमी आउ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट कोड़े इंपोर्टेंट पॉइंट रिमेम्बर लिखाई नहीं पाखापाखी इंपोर्टेंट पॉइंट रिमेम्बर आम कोड़े मन रखा तो आशा करूँ आज वीडियो आपको बहुत भल लगी जब वीडियो बहुत भल लगी सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ पाखर जो बेल आइकन बजाई दिखाँ रोचे देखा गोटे नुआ वीडियो।